हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एलिमिनेशन मेथड के बारे में किया था, उसके बेस पे हमने कुछ सम भी किए थे। अभी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हमें इनमें क्या करना होता है, हम स्टेटमेंट को 3 से 4 बार रीड करेंगे। जब स्टेटमेंट हमारे माइंड में क्लियर होगी तब हम इसमें कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हमारे 4-5 पार्ट हैं, उनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को फॉर्म करना है, मतलब इक्वेशन को हमें अपने आप बनाना है। उसके बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, एग्जिस्ट किस किस में करते हैं, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में, पैरेलल में नहीं करते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो किस मेथड से हमें फाइंड आउट करने हैं, एलिमिनेशन मेथड से। अब बच्चों जो हमारी जेन्युइन स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट है, अल्टीमेट स्टेटमेंट है, उसको हम रीड करेंगे, फिर उसके बेस पे हम जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है उनको फॉर्म करेंगे। देखें, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, हमारे पास एक फ्रैक्शन वो टूट के रिड्यूस होके 1 बन जाती है। इसका मतलब हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले भी एक फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है उसी के बाद हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तब वो कोई आई हमारे पास, अल्टीमेट हमारे पास स्टार्टिंग में एक फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन है तो हमारे पास कोई ना कोई उसका न्यूमरेटर होगा और ऐसे ही डिनोमिनेटर भी होगा। तो हम बच्चों उस स्टार्टिंग फेज में जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर भी लेट कर लेते हैं और उसका डिनोमिनेटर भी लेट कर लेते हैं। बच्चों मेरे को तो क्वेश्चन का पता है इसीलिए तो मैं साथ के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको तो इसको रीड करना है 2 से 3 बार 4 बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो हमने क्या लेट किया इसका न्यूमरेटर, हम लेट कर लेते हैं एक्स, तो हम उसके डिनोमिनेटर को भी लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या लेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन लेके आनी है और एक्स और वाई दो अलग अलग लेट किए, क्यों किए, क्योंकि दो वेरिएबल में लेके आनी है। तो बच्चों ये फ्रैक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास एक फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके पे इसके न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की बात करेगा, जैसे जैसे ऐड करने के लिए बोलेगा हम प्लस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट की बात करेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो फिर उसके बाद जो भी रिड्यूस होके आएगी उसके इक्वल रख देंगे। देखिए बच्चे क्या बनती है, क्या बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, तो ये है ये ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर वाई है, वहां से 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, अब ये जो नई फ्रैक्शन आई है टूट कर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ये केस है हमारे पास यहां तक। अब जब इसको मैं यहां लिखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक्स और वाई वेरिएबल में एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो बच्चों 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, वाई यहां ले आते हैं, 1 को वही शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाती है, ठीक है। बच्चों कहां तक, जब हमने स्टेटमेंट को यहां तक रीड किया, अब ऐसे ही अगर एक इक्वेशन आ गई है तो दूसरी भी आएगी, कहां से आएगी, जब हम इसको आगे रीड करेंगे, क्या बोलता है, इट बिकम्स 1/2, अब वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है, कब बन जाती है वो हमारे पास 1/2, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, फ्रैक्शन तो हमारे पास यही है x अपॉन वाई, ये कितनी बन जाती है 1/2 बन जाती है, कब, इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, ये कर दिया हमने, अब ये फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/2 बन गई। अब इसके बाद फिर बच्चों वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x और y के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आती है, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2x आ जाएगा, फिर 1 के साथ कराएंगे तो ये आएगा, इसको हम यहां ले जाते हैं तो ये आ जाती है बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2।
अब एक इक्वेशन यहां आ गई, दूसरी यहां आ गई, सोल्व करना आता है, मेथड का नाम भी लिखा है, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों एक्स और वाई में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम यहां देखें एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहां 2 है, यहां वाई का कोएफिशिएंट -1 है, यहां भी -1 है। तो बच्चों सेम कोएफिशिएंट है, सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो वाई हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, हम इसको ऐसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, या हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आएगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, फिर इसके बाय में सेकंड इक्वेशन आएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब सब हमने सबट्रैक्ट किया तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो y से तो y कैंसिल आउट हो जाता है, यहां हमारे पास क्या आता है माइनस एक्स और माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अब बच्चों इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में कहीं भी पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, आप किसी में भी कर सकते हो, हम 1 में कर देते हैं, तो x हमारा क्या आया 3 आया है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों हम 3 को शिफ्ट कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस 3। सोल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 5। यह आ गया बच्चों हमारे पास, x भी हमने यहां निकाल दिया, y भी निकाल दिया। x क्या था, हमने ऊपर क्या ऐड किया था न्यूमरेटर, y क्या ऐड किया था डिनोमिनेटर। तो बच्चों हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, लेकिन ये तो कुछ और पूछता है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछता है, फ्रैक्शन में तो क्या आएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा। तो यहां लिख देते हैं बच्चों हम इसको, दस न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, एक्स आया था, एक्स क्या है 3, एंड डिनोमिनेटर ये बच्चों आपको कंप्लीट लिखना है ऐसे, ये क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या आ जाती है बच्चों हमारे पास 3/5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर देखें एक बार, क्योंकि इसने फ्रैक्शन की बात की, फ्रैक्शन हमारे पास कब बनेगी, जब हमारे पास न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, हमारे पास तो कोई भी नहीं है, तो हमने न्यूमरेटर को भी ऐड किया और डिनोमिनेटर को भी ऐड किया, तो फ्रैक्शन आ गई हमारे पास x अपॉन y। अब ये वो फ्रैक्शन है जिसमें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको किसी के इक्वल रखेंगे, कैसे रखेंगे, जो स्टेटमेंट बोल देगा, स्टेटमेंट में इसने बोला कि भाई इसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास 1 बन जाती है, तो वहां से एक इक्वेशन आई। फिर बोलता है कि भाई सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो ये हाफ बन जाती है, सोल्व किया सेकंड इक्वेशन आई। अब इनको बच्चों हमने बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर दिया, तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसका, 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि भाई 5 साल पहले जो नूरी एक लड़की है इसकी एज सोनू की एज का थ्राइस है, मतलब 5 साल पहले हमारे पास एट प्रेजेंट एज ना तो नूरी की है और ना ही सोनू की है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं एज प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन, और एज प्रॉब्लम जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इनमें हम हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, उसके बाद ही हम प्लस और माइनस करके फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इनकी प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या ईयर लेट किया हमने एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसकी लेट कर लेते हैं वाई ईयर्स। अब बच्चों हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज है नूरी की भी और सोनू की भी, तो यहां ये बोलते हैं भाई 5 years एगो 5 साल पहले, एगो मतलब पहले बिफोर, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 5 years एगो नूरी हमारे पास x माइनस 5 होगा, सोनू हमारे पास y माइनस 5 होगा, सिंपल है, निकाल लेते हैं बच्चों 5 years
एगो। नूरीज एज 5 माइनस करेंगे बच्चों इसकी प्रेजेंट एज में से, तो x माइनस 5 आ जाता है। ऐसे ही फिर सोनू की एज निकाल लेंगे हम, 5 साल पहले सोनू की एज क्या आ जाएगी, y माइनस 5। अब बच्चों जो स्टेटमेंट बोलता है कि भाई 5 साल पहले इनकी एज किसकी एज का डबल है, ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वो एज है वो इस एज की बात करता है, अब हमारे पास ये एज आ चुकी है, तो 5 ईयर्स एगो मतलब जो उनकी एज थी ये एज है हमारे पास। अब AT क्यों बनाते हैं हम, क्या बनेगा, नूरी वाज, नूरी वाज, नूरी था, कौन है नूरी, ये है, इसकी एज कितनी है, ये एक्स माइनस 5, वाज मींस था, ये लगा दिया हमने, कितना है थ्राइस, थ्राइस आप लोग समझते हो 3 टाइम्स, तो 3 इंटू कर दो, किसका है 3 टाइम्स, सोनू की एज का, सोनू की एज कितनी थी उस टाइम, वाई माइनस 5, तो ये आ गया बच्चों, बहुत आसान है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 3y माइनस 15। अब इसको यहां रख देते हैं, 5 को शिफ्ट कराएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसके बाद बोलता है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, 10 साल बाद मतलब फ्यूचर में बात चलेगी, तो बच्चों फ्यूचर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर आप आज, आप लोग आज अगर 15 साल के हो तो 10 साल बाद कितने के होंगे, 25 के होंगे, क्या किया 10 प्लस किया, तो वही बात यहां है। तो हम एज निकालते हैं 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर, तो इनकी दोनों की एज में 10 10 प्लस हो जाएगा, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट एज है एक्स, इसमें 10 प्लस हो जाएंगे, और सोनू की एज क्या होगी, सोनू की एज में प्लस होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ ही सेम ईयर्स के बाद की बात की है इसने, तो y प्लस 10। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब हम इस एज की बात करेंगे 10 साल बाद, जो ये एज है नूरी विल बी, नूरी है वो कितने का है, ये अगेन 80 क्यों बनेगा, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कर रहे, क्या आएगा x प्लस 10, ये होगा, हो गया, कितना होगा, ये ट्वाइस होगा, ट्वाइस बच्चों जानते ही हो, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका, एज ओल्ड एज सोनू, जितना सोनू है 10 साल बाद कितने का होगा सोनू, वाई प्लस 10 का होगा, तो ये लिख देते हैं हम। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, क्या बनेगी वो, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। फिर y को यहां ले आते हैं हम, शिफ्ट करा देते हैं, 10 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है बच्चों, 2 आ चुकी है, ठीक है। इनकी हमने प्रेजेंट एज लेट की, 5 साल पहले में माइनस कर दिया, तो नूरू की एज जो सोनू की एज का थ्राइस थी, हमने लिख दिया, सोल्व किया बच्चों, शिफ्ट किया या, फिर 10 ईयर्स लेटर की बात की, दोनों में 10 10 प्लस कर दिया हमने, फिर जो ये हमारी नूरी की एज है सोनू की एज का डबल है, डबल है या ट्वाइस है, तो हमने 2 टाइम्स रख दिया, सोल्व किया 20 था, ये 10 जाएगा तो 20 माइनस 10 हो गया 10 आ जाएगा। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना है, देखें x का कोफिशियंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, कोफिशियंट सेम है तो, और साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बच्चों वही किया हमने, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। जब साइन चेंज करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाता है, यहां बचता है माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ जाती है कितनी आएगी हमारे पास, 20 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, रख देते हैं बच्चों हम इसके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, 1 है हमारे पास ये x माइनस 3y मीन्स 20 इज इक्वल टू है माइनस 10, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, एक्स को सोल्व करेंगे तो यहां जाके शिफ्ट होके प्लस 60,
तो और x आ जाता है प्लस 50। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, x कितना आ गया प्लस 50। x क्या था, नूरी की प्रेजेंट एज थी, y क्या था, सोनू की प्रेजेंट एज, दोनों हमने निकाल दी। अब हम इसको यहां लिख देते हैं 10 लगा के, 10 प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू आर, नूरी आया हमारे पास पहले, नूरी कौन था, x 50 है, 50 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, सॉरी 20 है, 20 आ जाएगा। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, देखें कब आसान है, जब इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन कब बनेगी, स्टेटमेंट को 3-4 बार रीड करोगे, हम तो हर साल रीड करते हैं, समझाते हैं, इसलिए हमको पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना, आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए आपको ये 3-4 बार रीड करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। एगो की बात करता है माइनस कर दो, बिफोर की बात करता है माइनस कर दो, लेटर की बात करता है प्लस कर दो, आफ्टर की बात करता है प्लस कर दो, हेंस की बात करता है प्लस कर दो, फ्रॉम नाउ करता है प्लस कर दो। ये बच्चों 3-4 बातें हैं, बाकी सभी आपको पता है, सम कर लेना। अच्छा फिर बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 आता है इसका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 9। ठीक, कि एक 2-डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो ना तो हमारे पास यूनिट डिजिट है और ना ही 10th डिजिट है, मतलब अगर मैं कोई भी यहां पे एक 2-डिजिट नंबर लिख देता हूं, सपोज दिस इज 47, हेयर 7 इज द यूनिट डिजिट एंड 4 इज द 10th डिजिट, तो इन दोनों का जो सम है, यहां तो 4 और 7 का सम मिला के बन गया 11, लेकिन यहां तो हमने अपने आप को एग्जांपल लिया था, स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को एक्स ऐड कर लेते हैं और 10th डिजिट को वाई ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये लेट किया हमने। फिर अगर मेरे पास यूनिट डिजिट और 10th डिजिट है, तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 47 को मैं 40 प्लस 7 लिख सकता हूं, अगेन 40 को मैं 4 इंटू 10 प्लस 7 लिख सकता हूं। तो 4 मेरे पास क्या था, 10th डिजिट था, इंटू मैंने क्या किया 10 किया, और प्लस मैंने क्या किया यूनिट डिजिट किया। तो ये बच्चों मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2-डिजिट नंबर बनाने का, कब, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट और 10th डिजिट होता है, क्या करते हैं 10 को 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने यहां पे 1th डिजिट और 10th डिजिट लिख दिए, फिर मैंने क्या किया, उसमें से 2-डिजिट नंबर बनाया, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, 10th डिजिट क्या है, हमने वाई ऐड कर रखा है और यूनिट डिजिट एक्स है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। फिर बच्चों इस तरह के जो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं 2-डिजिट नंबर वाले, इनमें 99% केस में वो एक नंबर को दोबारा बनाएगा उन 2-डिजिट नंबर के ऑर्डर को रिप्लेस करके, रिप्लेस मतलब उनको रिवर्स करा के, रिवर्स मतलब उसको इन्वर्स करा के, अब इन्वर्स मतलब x की जगह पे y रखेगा, y की जगह पे x रखेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट को 10th प्लेस पे रखेगा और 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको उठा के यूनिट प्लेस डिजिट पे रखेगा, सिर्फ ये इसका मतलब है। जैसे 74 है, मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूं तो क्या बनाता है वो, 74 बनाता है 47। ठीक है बच्चों, तो ऐसे यूनिट प्लेस को उठा के 10th पे, 10th को यूनिट पे, ये काम करता है। तो हमने वही किया, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, उनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे था 10th पे बना दिया। ठीक है, जो 10th पे था वो हमने यूनिट बना दिया, उसके बाद भी तो हमारे पास एक नंबर बन सकता है, वही 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, हमने वो रखा बच्चों, तो ये नंबर आ गया। अब इसने बोल दिया कि दोनों का सम कितना है, 9 है, दोनों किनका, जो 2-डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे थे, तो हमारे पास तो वो एक्स और वाई ही थे, सम किया हमने 9 आ गया। सेकंड क्या बोलता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई दिस नंबर, कौन सा, जो जनरल बन जाता है हमारे पास जब हमने एक्स और वाई लेट किया था, इसका 9 टाइम्स विल बी हो जाता है, कितना होता है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसका, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जो एक नंबर ऑर्डर को रिवर्स करने पे आता है, कौन सा नंबर आया था हमारे पास, यही आया था, तो इसका ट्वाइस कर दो। इसके बच्चों हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहां से बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, एक्स का कोफिशियंट यहां पे 1 है, यहां -1 है, ऐड कर दो एक्स, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनता है भाई, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सिमिलर माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y हमारे पास क्या बनता है बच्चों, 9 अपॉन 9, 9 बन जाए, 9 बन जाए, तो y की वैल्यू आ जाती है 1, या ये बच्चों हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को 1 और 2 में कहीं भी पुट कर दो,
हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8। लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है, हमें तो नंबर निकालना है। नंबर कैसा है, 2-डिजिट नंबर है। अब उसके अंदर यूनिट डिजिट चाहिए और टेंथ डिजिट चाहिए, वो आएंगे हमारे x और y के फॉर्म में जो कि आ चुके हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, या हम इसको वंस डिजिट लिख सकते हैं। क्या था, x था, x हमारे पास 8 आ चुका है, एंड टेंथ डिजिट वो हमारे पास y था, वो हमारे पास 1 आ चुका है। तो हम यहां से 2-डिजिट नंबर बना सकते हैं। 2-डिजिट नंबर क्या बनेगा, 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट प्लस 1th डिजिट। तो ये आ जाता है 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको जहां से मिलते हैं प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं, आपको करना वही है, यूनिट डिजिट लेट करो, 10th डिजिट लेट करो, एक नंबर बनाओ, ऑर्डर को चेंज कर दो, दूसरा नंबर बनाओ। इसके बाद वो स्टेटमेंट बोल के देगा कि भाई कौन किसका डबल है, ट्वाइस है, हाफ है, सबट्रैक्ट है, कुछ भी है। स्टेटमेंट रीड करने 3-4 बार काम चल जाएगा आपका। ठीक है बच्चों।